देखो बच्चों, हम लोग जरा पढ़ते हैं एस्क्राइब्ड सर्कल्स। एस्क्राइब्ड सर्कल्स देखो क्या होता है, वो सर्कल जो कि ट्रेंगल के बाहर बनते हैं। देखो क्या होता है, मान लो मैंने ये ट्रेंगल ले लिया ऐसे करके ए बी सी, अब जैसे मान लीजिए मैं क्या करूंगा, इस एंगल का बाईसेक्टर निकालता हूं, इसका बाईसेक्टर निकालता हूं और इसका भी बाईसेक्टर निकालता हूं। ठीक है, देखो ये एक्सटर्नल एंगल है, इसका बाईसेक्टर, इसका इसका। अब देखो ये जो पॉइंट है, इससे एक सर्कल बनाया जाए, ये सर्कल तीनों साइड्स को टच करेगा, है ना। तो इसके सेंटर को कहते हैं आई वन और इसकी रेडियस को कहते हैं आर वन। इसी प्रकार देखो एक ट्रेंगल जो कि इस साइड पर बनेगा, देखो ऐसे करके, ये इसके सेंटर को कहते हैं आई टू और इसकी रेडियस को कहते हैं आर टू, है ना। इसी प्रकार देखो, है ना, जैसे यहां पर ये ए है, ये बी है, ये सी है। देखो ये जो सर्कल है ये स्मॉल ए साइड के बाहर बना, देखो ये सर्कल स्मॉल बी साइड के बाहर बना, अब एक सर्कल जो स्मॉल सी साइड के बाहर बनेगा। देखो ये सर्कल जो है, ये सर्कल यहां जो बनेगा, ये देखो स्मॉल सी साइड के बाहर बनेगा, ठीक है। ये तो इसके सेंटर को कहेंगे आई थ्री और इसकी रेडियस को कहेंगे आर थ्री, ध्यान दो। तो देखो ये तीन सर्कल बनेंगे, इसकी रेडियस आर वन, इसकी रेडियस आर टू, इसकी रेडियस आर थ्री, है ना। अब वो आई वन आई टू आई थ्री, इनको निकालने के फॉर्मूले हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन में देखे थे, आपको याद है ना। आई वन कैसे निकलता था, माइनस ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री, है ना, अपॉन माइनस ए प्लस बी प्लस सी, ए वाला माइनस सिमिलरली आई टू में बी वाला माइनस सिमिलरली आई थ्री में सी वाला, है ना। ये हम लोगों ने अपना स्ट्रेट लाइंस में देखा था कि आई वन आई टू आई थ्री कैसे निकाले जाते हैं। देखो ध्यान दो, अब हम जरा आर वन आर टू आर थ्री के बारे में डिटेल से पढ़ें। आखिर ये आर वन आर टू आर थ्री हम कैसे निकालेंगे, देखो फिर से मैं इसको मिटाता हूँ। और अब मैं सबसे पहले आर वन के बारे में आपको बताता हूँ, आर वन आखिर कैसे निकाला जाए। देखो ध्यान दो, अब थोड़ा सा मैं एक बड़ा डायग्राम यहां पर बनाऊंगा, उसकी हेल्प से मैं ये सारी बातों को प्रूफ कर दूंगा। देखो ध्यान दो, यहां पर क्या होगा, मान लो मैंने ऐसे करके एक ट्रायंगल बनाया, ये देखो ये जो सर्कल यहां बनेगा, देखो ये वाला सर्कल जो कि तीनों साइड्स को टच करेगा ऐसे करके, ठीक है। मान लो ये ए है, ये बी है और ये सी है। देखो क्या होगा, जैसे यहां पर इसका जो बाईसेक्टर होगा वो कुछ ऐसे यहां पर जाएगा, ऐसे इसका बाईसेक्टर यहां कुछ ऐसे आएगा और इसका बाईसेक्टर यहां कुछ ऐसे आएगा, ध्यान दो, है ना। ये देखो क्या होगा, यहां से इसको मिलाएंगे तो ये हो जाएगा डिस्टेंस हमारा आर वन, इसी प्रकार इसको इससे मिलाएंगे तो डिस्टेंस हो जाएगा आर वन, इसको इससे मिलाएंगे तो डिस्टेंस हो जाएगा आर वन। आर वन मतलब सर्कल की रेडियस। देखो ये ए का बाई सेक्टर है, ये सी का बाई सेक्टर है, ये बी का बाई सेक्टर है, जहां पर तीनों बाई सेक्टर मिलते हैं ये हमारा पॉइंट हो गया आई वन, मतलब एक्स सेंटर, ठीक है। और देखो ये रेडियस हो गई आर वन, ये भी रेडियस हो गई आर वन, ये भी आर वन, है ना। ये इस पर परपेंडिकुलर होगा, ध्यान दो ऐसे करके, और देखो ये भी इस पर परपेंडिकुलर होगा, और देखो ये भी इस पर परपेंडिकुलर होगा, यहां पर ध्यान दो, ठीक है। अब देखो जैसे कि मान लीजिए अगर मैं ट्रायंगल ए बी सी का एरिया निकालूं, देखो ए बी सी का एरिया, देखो ये क्या होगा, ये होगा एरिया ऑफ आई वन ए बी, देखो आई वन ए बी का एरिया प्लस देखो एरिया ऑफ आई वन ए सी, देखो आई वन ए बी का एरिया, आई वन ए सी का एरिया, और देखो माइनस एरिया ऑफ आई वन बी सी, है ना। देखो ट्रायंगल ए बी सी का एरिया चाहिए तो आई वन, है ना, और देखो ए बी का एरिया प्लस आई वन ए सी का एरिया और माइनस आई वन बी सी का एरिया, ठीक है। ऐसे देखो हमने यहां पर
इसको लिखा। देखो ट्रायंगल एबीसी का एरिया होता है डेल्टा। अब देखो आई वन ए बी, देखो ये ट्रायंगल है ना, आई वन ए बी इसका एरिया। देखो क्या होता है, जैसे ये साइड को जब हम आगे बढ़ा रहे हैं तो ये हमारा परपेंडिकुलर, देखो ऐसे ये अपना ट्रायंगल है ना, ये देखो ये यहाँ पर ट्रायंगल है आई वन ए बी, ये ट्रायंगल देखो इसका एरिया चाहिए है ना। अब देखो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। देखो ये साइड जो है, ये साइड हो जाएगी स्मॉल सी, अगर इसको बेस माने तो हाइट का मतलब यहां से परपेंडिकुलर, इसको आगे बढ़ा दिया और देखो यहां से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है देखो इसकी लेंथ है आर वन, तो देखो ये इसका बेस हो गया और वर्टेक्स से इस पर जो परपेंडिकुलर है वो देखो ये हो गया आर वन। तो इस ट्रायंगल का एरिया आई ए बी का एरिया क्या हो जाएगा, हाफ बेस देखो हो गया सी और देखो हाइट हो गया आर वन। क्योंकि देखो ऐसा होता है ना, आप कोई भी ट्रायंगल ले, मान लीजिए मैंने ऐसे करके ये ट्रायंगल लिया, फॉर एग्जाम्पल ये ट्रायंगल मैंने ऐसे करके लिया है ना ए बी सी। अब जैसे इसका एरिया चाहिए हमको, तो अगर इसको बेस मानेंगे तो देखो परपेंडिकुलर ये लेना पड़ेगा, ये हाइट लेनी पड़ेगी। मान लीजिए ये हमारा बेस अगर वाई है तो ये परपेंडिकुलर पी है, तो इसका एरिया होगा हाफ वाई इंटू पी है ना। अगर परपेंडिकुलर जो है वो ट्रायंगल के बाहर भी जा रहा है तब भी कोई दिक्कत नहीं। देखो जैसे अगर हम इसको बेस मान लेते हैं है ना, तो हाइट ये मानना पड़ेगा, मतलब इसको आगे बढ़ा के परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। जैसे देखो यहां पर हमने इसको आगे बढ़ा करके ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था, ध्यान दो ठीक है, हाफ सी आर वन। अब देखो आई ए सी, देखो आई ए सी ट्रायंगल, आई ए सी देखो यहां पर भी ये साइड है स्मॉल बी, देखो ये साइड क्या है स्मॉल सी, देखो ये हो गया हाफ आई ए सी, देखो क्या हो गया हाफ, देखो बेस ये हो गया बी और देखो हाइट ये हो गई आर वन ठीक है। माइनस आई बी सी, देखो आई बी सी ट्रायंगल ये रहा, इसका देखो बेस हो गया ये स्मॉल ए और हाइट हो गई आर वन, तो वन बाई टू ए इंटू आर वन है ना। देखो आई बी सी ट्रायंगल का एरिया हाफ, देखो बेस हो गया ये स्मॉल ए और हाइट देखो ये हो गई आर वन, देखो ए के अपोजिट साइड स्मॉल ए है ना, ये बेस हो गया और ये हो गया परपेंडिकुलर। देखो ध्यान दो, अगर हम आर वन बाई टू कॉमन ले लें तो सी प्लस बी माइनस ए। अब देखो यहां से जैसे ए प्लस बी प्लस सी क्या होता है टू एस, तो बी प्लस सी क्या हो जाएगा टू एस माइनस ए। देखो ये वैल्यू यहां रखें तो देखो डेल्टा हो गया आर वन बाई टू और देखो बी प्लस सी क्या हो गया टू एस माइनस ए माइनस ए, तो देखो डेल्टा हो गया आर वन बाई टू और देखो ये बच गया क्या एस माइनस ए। देखो आर वन की वैल्यू आ गई है ना सी प्लस बी है ना, आर वन बाई टू कॉमन लिया तो बी प्लस सी माइनस ए और बी प्लस सी को लिख लिया टू एस माइनस ए है ना, सॉरी टू एस माइनस ए और देखो ये माइनस ए है, गलती हो गई यहाँ पर ना। तो देखो यहां से ये हो गया आर वन बाई टू है ना, बी प्लस सी को क्या लिखा टू एस माइनस ए ठीक है ना, ये लिखा ए प्लस था, देखो ये हो गया टू एस माइनस टू ए। अब देखो यहां से टू कॉमन ले लिया तो हो गया एस माइनस ए, देखो आर वन की वैल्यू आ गई डेल्टा अपॉन एस माइनस ए है ना। तो देखो आर वन को निकालने का ये सबसे पहला फॉर्मूला डेल्टा अपॉन एस माइनस ए है ना। देखो जो सर्कल ए के अपोजिट बना है उसका रेडियस आर वन, इसी प्रकार तो देखो दो सर्कल बी के अपोजिट बनेगा उसका रेडियस होगा आर टू और वो होगा डेल्टा अपॉन एस माइनस बी, और इसी प्रकार आर थ्री डेल्टा अपॉन एस माइनस सी, इसको याद रखो है ना। तो देखो जो सर्कल ए के अपोजिट बना है उसका रेडियस आर वन, जो सर्कल बी के अपोजिट बना है उसका रेडियस आर टू, जो सर्कल सी के अपोजिट बना है उसका रेडियस क्या हो गया आर थ्री। तो आर वन की वैल्यू आ गई
आर टू की वैल्यू आ गई और देखो आर थ्री की भी यहाँ पर ये वैल्यू आ गई डेल्टा अपॉन एस माइनस सी। ठीक है, तो आर वन आर टू आर थ्री को देखो निकालने के सबसे पहले फार्मूले यहाँ पर देखो हम लोगों ने ये अभी पढ़े हैं। ठीक है, इनको याद रखो, जैसे स्मॉल आर था ना, स्मॉल आर क्या था, डेल्टा अपॉन एस, तो यहाँ पर है डेल्टा अपॉन एस माइनस ए। अभी आर वन आर टू आर थ्री को निकालने के और भी फार्मूले हमें पढ़ना बाकी है, इसको लिखो बच्चों ध्यान से पहले।